अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर अहमद और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग क्लासिक, बीटा फोर्स और ये सब चीज क्या होती है। तो जब आप लोग बीटा फोर्स ज्वाइन करोगे तो आपके सामने पहला लेवल होगा और पहले लेवल में जो होंगे वो छह सर्कल होंगे। जैसे कि यहाँ पे पहले लेवल पे छह सर्कल बने हुए हैं, एक ये है, 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 ठीक है। तो ये पहला लेवल होता है $5 से एक्टिव। उसके बाद इसका प्रॉफिट आपको कैसे आएगा और इसमें आपको काम क्या करना है। अब आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर वाले दो सर्कल, ये सर्कल जब आपके फिल होंगे तो इनका जो प्रॉफिट है आपके अपलाइनर को जाएगा और ये जो ऊपर ये सर्कल है ये आप होंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप तीसरा, चौथा और पांचवा सर्कल, ये वाले, ये और ये, जब आप ये फिल करोगे तो इनका प्रॉफिट डायरेक्ट आपको जाएगा, आपके ट्रस्ट वैलेट में आएगा। उसके बाद ये जो आखिरी वाला सर्कल है, इसमें जब भी आप इसको फिल करोगे तो इसकी जो अर्निंग है वो आपकी टीम में शामिल हो जाएगी, मतलब जिसको आप ज्वाइन कराओगे वो आपके किसी एक मेंबर को प्रॉफिट चला जाएगा। तो सेम प्रोसेस है। उसके बाद फिर लेवल दो है, लेवल दो का भी इसी तरह प्रोसेस है। लेवल तीन का जो है इसमें से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, इसमें छह सर्कल नहीं है, इसमें है सिर्फ तीन सर्कल। तो इसमें जो तीन सर्कल हैं वो जब फिल होंगे तो आपको पहले दो सर्कल का प्रॉफिट आपको जाएगा, उसके बाद आखिरी जो सर्कल है उसका प्रॉफिट जाएगा आपके अपलाइनर को। इसी तरह बाकी जो सर्कल हैं, लेवल फोर का स्लॉट, लेवल फाइव का स्लॉट, लेवल सिक्स का, लेवल सेवन, लेवल एट, लेवल नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, टोटल 12 लेवल हैं। आप जितने स्लॉट एक्टिव करते जाओगे, जितनी बार आप स्लॉट को रिसाइकल करोगे उतनी बार ही आपको अर्निंग आएगी। अब जाते हैं हम आगे कि अर्निंग हर एक स्लॉट से कितनी होती है। तो उसके लिए आप ये देख रहे हैं, ये जो है पहला लेवल है, ठीक है। पहला लेवल एक्टिव होता है $5 से और इसको रिसाइकल करने पर आपको मिलते हैं $15। उसके बाद फिर लेवल टू, लेवल टू का भी इसी तरह ही है। ये लेवल टू एक्टिव होता है $10 से और इसको एक बार रिसाइकल करने से आपको मिलते हैं $30। उसके बाद आप देख सकते हैं लेवल थ्री, लेवल थ्री $20 से एक्टिव होता है और $40 आपको मिलेंगे रिसाइकल करने पर। उसके बाद लेवल फोर $40 से एक्टिव होता है और $120 मिलेंगे आपको एक बार रिसाइकल करने पर। अब ये रिसाइकल क्या है और सर्कल कैसे फिल होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये चीज देखें, ये जो लेवल वन है, ये लेवल वन, इसमें यहाँ पर आप होंगे और आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, आपका पहला बंदा यहाँ पे ऐड होगा, दूसरा बंदा यहाँ पे ऐड होगा, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा यहाँ पे, छठा यहाँ पे, ठीक है। पहले जो दो बंदे हैं उनका प्रॉफिट आपके प्लानर को जाता है, उसके बाद ये जो तीन बंदे हैं इनका प्रॉफिट डायरेक्ट आपको ही आता है और ये जो आखिरी वाला जो बंदा होता है, आखिरी जो सर्कल है, इसका प्रॉफिट आपकी टीम को जाएगा। मतलब आपकी टीम कौन सी होगी, ये जो छः के छः लोग आप ज्वाइन करवाओगे अपने ऐड के लिंक से, ये बनेगी आपकी टीम। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट है आखिरी सर्कल का आपकी टीम के किसी मेंबर को भी चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ये लेवल टू है, इसका भी सेम इसी तरह प्रोसेस है। लेवल थ्री ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसके बाद लेवल फोर, लेवल फाइव, लेवल सिक्स, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं उस जगह पे, जैसे कि आप जहाँ बीटा फोर ज्वाइन करेंगे, बीटा फोर का जो डिस्प्ले होता है वो किस तरह का होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है बीटा फोर के लेवल वन का डिस्प्ले, ये लेवल वन लिखा हुआ है। इस स्लॉट का नाम S6 होता है, ये पाँच डी लिखा हुआ है, मतलब $5 से ये एक्टिव होता है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, इस बंदे ने यहाँ पे जिसको ज्वाइन कराया वहाँ पे इस लिखा हुआ आ गया है, पहले खाली होगा, अगर आप किसी को अपने आईडी से ज्वाइन कराते हैं तो उस सर्कल के अंदर इस लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये नहीं है कि जब आप ही ज्वाइन कराओगे तो आपके ज्वाइन कराने से ही ये सर्कल फुल होगा, नहीं। आपने इसको ज्वाइन कराया, इसने किसी और को ज्वाइन कराया, वो आपका यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आपने इसको ज्वाइन कराया, वो किसी और को ज्वाइन करवाएगा, वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाला बंदा अगर एक और बंदा ज्वाइन कराएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ज्वाइन कराते हो तो आपका भी बंदा यहाँ पे आ जाएगा, मतलब जो ज्वाइन कराता जाएगा आपके जो ये स्लॉट है ये फुल होता जाएगा। उसके बाद रिसाइकल क्या होता है, रिसाइकल होता है जब ये छह लोग, जो छह जो सर्कल बने हुए हैं, जब ये फुल हो जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ जाता है 1, 2, 3, 4, जितनी बार ये फुल होगा उतनी बार ये नंबर आएगा। अब ये देख सकते हैं आप, ये
65 बार जो है रिसाइकल हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाएं 59 टाइम ये रिसाइकल हो चुका है, मतलब लेवल वन से जो है $15 मिलते हैं एक रिसाइकल पे। तो आप अंदाजा लगाएं 59 टाइम $15, अगर $15 आपको बार बार मिलते जाए, अंदाजा लगाएं आपके कितनी अर्निंग हो सकती है। उसके बाद जितने भी लोग आपके लेवल वन को ज्वाइन करेंगे वो यहाँ पे शामिल हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएगी कितने लोग जो है लेवल वन में ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ लेवल टू, ठीक है। ये है लेवल टू। लेवल टू जो है $10 से एक्टिव होता है, इसी का भी सेम उसी तरह प्रोसेस है। जिस तरह आप जितनी बार ये फुल होगा उतनी बार ये रिसाइकल होगा। ये लेवल टू 33 बार रिसाइकल हुआ है, और जब ये रिसाइकल होता है तो आप ये समझ लें आपको यहाँ से $40 मिलते हैं। यहाँ से भी अर्निंग, यहाँ से भी अर्निंग, यहाँ से भी अर्निंग, यहाँ से भी अर्निंग, यहाँ पे से आपको $40 का प्रॉफिट होता है। और ये 200 बार जो है 200 लोगों ने इसको ज्वाइन किया है। उसके बाद फिर लेवल थ्री का जो है प्रॉफिट वो आपको डायरेक्ट आता है। दो लोग आप ज्वाइन कराओगे आपको डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वाले उनका प्रॉफिट आएगा। और ये लेवल 3 $20 से एक्टिव होता है। उसके बाद ये वाला जो सर्कल है ये जब आप फिल करोगे तो इसका प्रॉफिट आपके अपलाइनर को जाएगा। उसके बाद लेवल 4 आ जाता है। लेवल 4 का प्रोसेस भी उसी तरह सेम है, जितनी बार आप फिल करोगे उतनी बार ये रिसाइकल होगा। इसमें 78 जो है ना लोग इसमें ज्वाइन हुए हैं, और ये $40 से एक्टिव होता है। मतलब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे डॉलर की प्राइस बढ़ जाती है। अब ये लेवल 5 देख लो आप, $80 से एक्टिव होता है और $160 जो है ना रिसाइकल फुल होने से आपको प्रॉफिट आता है। और उसके बाद फिर ये लेवल 6 ये $160 से एक्टिव होता है, और इसके आपको तकरीबन $200 से $250 जो है वो आपको अर्निंग होती है इसके रिसाइकल फिल करने पे। उसके बाद फिर ये लेवल 7 का भी ऐसा ही सिस्टम है, जितनी बार आप इसको रिसाइकल करोगे उतनी बार ही आपको प्रॉफिट आएगा। लेवल 7 जो है वो $320 से एक्टिव होता है। लेवल 8 जो है वो $640 से एक्टिव होता है। मतलब ये समझ ले अगर जो लेवल $640 से एक्टिव हो रहा है तो वो आपको डबल अर्निंग देगा। $640 से एक्टिव हो रहा है तो एक बार रिसाइकल होने पर आपको $1280 अर्निंग होती है। ये है बीटा फोर्स का सिस्टम अर्निंग का और स्लॉट का। आई होप आपको सब कुछ इसकी समझ आ गई होगी।